नमस्कार, हमारी खास पेशकश हक आपका में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आलोक। मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग, इस देश में शायद ही कोई शख्स होगा जो जान हथेली पर रखकर इस क्रॉसिंग से गुजरा ना होगा। रेलवे क्रॉसिंग पर कोई फाटक नहीं, ना ही कोई चौकीदार। खतरे से अनजान आप रेलवे क्रॉसिंग पार कर रहे हो और अचानक सामने से ट्रेन आ जाती है, इतनी तेज कि बचने का कोई मौका नहीं। सोचकर मन ही घबरा जाता है, लेकिन यकीन मानिए, हालात नहीं बदले तो हमें से किसी के साथ भी बड़ा हादसा हो सकता है। आंकड़े बताते हैं कि देश भर में अब तक मानव रहित क्रॉसिंग की चपेट में आकर हजारों लोग मौत के शिकार हो चुके हैं। इसलिए वक्त आ गया है कि हम मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करें और हमारी और आपकी जान से खेल रही सरकार को नींद से जगाएं, क्योंकि मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग है हक आपका। आए दिन मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर मौत होती रहती है, लेकिन सरकार को इसकी कोई परवाह नहीं है। सरकार और रेलवे की नजर में लोगों की जान कितनी सस्ती है देखना है तो संगम नगरी इलाहाबाद चले आइए। यहाँ कई ऐसे रेलवे क्रॉसिंग है जहां पर ना तो फाटक है ना ही कोई गार्ड तैनात है, जिसकी वजह से दुर्घटनाएं होती रहती हैं और जाती भी रहती हैं। लोग कितनी न जाने जाने अब तक जा चुकी हैं। ट्रेन हादसों पर भले ही लाखों के मुआवजे की सरकार घोषणा करती है, लेकिन हादसों से निपटने के लिए कोई ठोस कदम जमीन पर नजर नहीं आता। शहर दर शहर, गांव दर गांव और कस्बा दर कस्बा, ट्रेन हादसे कहीं भी हो सकते हैं और कभी भी हो सकते हैं, लेकिन जब मानव रहित क्रॉसिंग हो तो ऐसा लगता है जैसे सीधे सीधे हादसों को न्योता दिया जा रहा हो। शहर से लेकर गांव तक रेल प्रशासन के द्वारा बनाई गई रेल क्रॉसिंगों पर फाटक न होने की वजह से आए दिन ट्रेन हादसों में इजाफा हो रहा है। खासकर उत्तर प्रदेश के सभी गांवों के बीच से होकर गुजरने वाली ट्रेन दुर्घटनाओं में बड़ी तादाद में लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। आप खुद देखिए इलाहाबाद की ये तस्वीर, किस तरीके से मानव रहित क्रॉसिंग से स्कूल के बच्चे गुजर रहे हैं। इन बच्चों को तो ये भी पता नहीं होगा कि हादसे क्या होते हैं और हादसे कैसे होते हैं, लेकिन हर दिन ये बच्चे भविष्य की राह तलाशने हादसों की इस पटरी से होकर गुजरते हैं। बच्चे ही नहीं, हर कोई जो इस पटरी से गुजरता है वो कहीं ना कहीं मौत के रास्ते से ही गुजरता है। रहित अगर जो है फाटक, तो वहाँ पे बहुत सारे हादसे ऐसे ही होता है, इसलिए कि हम तेज रफ्तार से आते हैं, हमें पता नहीं चलता है, भीड़ भक्कड़ में शोर सुनगुल से हमें पता ही नहीं चलता है कि ट्रेनें बगल बगल से आ रही है, इस वजह से ज़्यादा हादसाएँ होती हैं। अगर मानव सहित रहता तो हम गेट गिर जाता या बंद हो जाता तो हम ऑटोमेटिक सचेत हो जाते कि नहीं, यहाँ पे ट्रेन आ रही है। इस वजह से अगर फाटक रहता तो यहाँ पे हादसाएँ बहुत कम होती। विभाग अक्सर होने वाले हादसों की जांच का आदेश देकर खाना पूर्ति कर देती है। मानव रहित क्रॉसिंग होने की वजह से शहर के बीच से गुजरने वाली ट्रेनों की चपेट में आकर अक्सर हादसे होते रहते हैं। लोगों का आरोप है कि रेलवे की लापरवाही की वजह से लोगों को खासी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। बजट पास होते हैं लेकिन ऐसा कुछ प्लान होता नहीं है, कुछ कंस्ट्रक्शन होता नहीं है। यही नहीं, इलाहाबाद में काफी ऐसे फाटक हैं जहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, लोग खुले में आते जाते, ट्रेन आती है कड़े आते, आए दिन ऐसे एक्सीडेंट आपको इलाहाबाद में मिलने को देखने को मिल जाएंगे। रेल विभाग से हम यही कहना चाहते हैं कि अगर आपको उस चीज के लिए पैसे दिए जा रहे हैं तो जनता की जिंदगी से मत खेलिए आप, क्योंकि आए दिन आप देख रहे हैं कभी कोई जानवर जाता है कभी कोई इंसान चला जाता है। फाटक बनाइए और जनता को जागरूक करिए कि कैसे रेल क्रॉस करनी है, कैसे फाटक क्रॉस करना है। सरकार की उदासीनता देखिए, मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर हर साल हादसे होते रहते हैं, लेकिन रेल प्रशासन है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। रेल विभाग को चाहिए कि जिस जगह रेलवे क्रॉसिंग पर फाटक या बैरिकेडिंग ना हो उसकी पड़ताल करके उस क्रॉसिंग पर फाटक की व्यवस्था करे, ताकि ट्रेन से होने वाले हादसों में कमी आए। और ये जिंदगी का सवाल है, ऐसे में हक हर जनता का है कि वो एक सुरक्षित जिंदगी जिए और हादसों से बचकर रहे। आरिफ राजू के साथ श्री न्यूज इलाहाबाद।
और इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने इलाहाबाद संवाददाता आरिफ राजू से। आरिफ, आपने जो हमें खबर भेजी, हमने उसको खास तौर पर विशेष ट्रीटमेंट देकर के चलाई और अपने दर्शकों को हम वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। सवाल ये कि इलाहाबाद में आपने जब क्षेत्रों का दौरा किया, मोहल्लों के और आसपास के जो इंटीरियर के जो इलाके हैं, जो ग्रामीण इलाकों में, वहां पर अक्सर देखा जा रहा है कि वहां पर मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग है। पहले तो राजू आप हमें ये बताइए कि किन किन जगहों पर मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग आपको नजर आई इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्र में, अगर मैं बात करूं तो। तरीके से इलाहाबाद से जो उत्तर पश्चिम रेलवे है उसके जो अलग अलग जो रेलवे पटरी बनी हुई है वहाँ पर ज्यादातर जगहों पर तो रेलवे जो क्रॉसिंग है वहाँ पर तो पटरी नजर आई, लेकिन इलाहाबाद से अगर हट करके ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पर जो रेलवे क्रॉसिंग है वो मानव रोड क्रॉसिंग है। कभी भी घटनाएं हो सकती, जो गाँव वाले की बातचीत की हमने तो उनको उनका अपना कहना था कि लाख प्रयास किया गया, आई दिन पर घटनाएं होती हैं, लेकिन रेल प्रशासन की जो अड़ियल रवैया है उसको अभी भी गाँव वालों को से जूझना पड़ रहा है। और जो मानव रोहित क्रॉसिंग है वहाँ पर न तो अभी तक किसी पटकी के लगने का इंतजाम किया गया, न ही वहाँ फटक लगाने का इंतजाम किया गया और न ही वहाँ पर किसी ऐसी व्यवस्था की गई जिससे जो जो ट्रेन की जो दुर्घटनाएं होती हैं या लोग कड़े आते हैं, जानवर कड़े आते हैं, उस पर रोक लग सके। जी आरिफ, ये बात हम भी जानते हैं कि हादसे होते हैं, ये बात आप भी जानते हैं कि मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर किस तरीके से हादसे होते हैं, हम जानते हैं, आप जानते हैं, लेकिन सवाल ये कि रेल प्रशासन और सरकार कितनी जिम्मेदार और वो अपनी जिम्मेदारी से क्यों भागती नजर आती है। देखिए लोग, अगर हम रेल विभाग की बात करें तो तमाम तरह के दावे किए जाते हैं, रेल में सुरक्षा की बात की जाती है, रेल पटरी की बात की जाती है, ट्रैक की बात की जाती है, लेकिन ये सारे केवल कागज पर रहकर सीमित हो जाते हैं। और नतीजा ये होता है कि जो आम मुसाफिर हैं या फिर जो आम लोग हैं जो इस जूझते हैं उनको कठिनाई तो होती है, लेकिन जो खासकर अगर रेलवे ट्रैक की बात करें या फिर रेलवे क्रॉसिंग की बात करें या मानव रहित क्रॉसिंग की बात करें तो तमाम ऐसी योजनाएं जो रेल प्रशासन ने वो तो बनाई थी, लेकिन उससे अमली अमल नहीं पहनाया गया और कहीं ना कहीं चूक हो जाती है जो ट्रेन के बड़े हादसे आते इस तरीके की जो मानव रहित क्रॉसिंग होती है। तो रेल प्रशासन को चाहिए कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को गंभीरता से देखे, चाहे वो शहर से आसपास की जो क्रॉसिंग का मामला हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र की जो रेल की जो क्रॉसिंग जो मानव रहित रहती है जिस पर पटकी लगाई जाती है, वहाँ पर कोई इंडिकेशन किया जाता है कि ट्रेन आने का समय है या फिर कोई वापस रहने की कर्मचारी को लगाया जाता है, तो ऐसी जो बहुत सारी जो खामियां हैं वो रेल प्रशासन की तरफ से है और उसका पूरा भुगतान जो है वो आम बिल्कुल तमाम सारी खामियां हैं रेल प्रशासन की ओर से। आरिफ, आपने जिन जगहों की हमें तस्वीर भेजी है जो मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग है, स्थानीय रेलवे प्रशासन की अगर बात करें तो स्थानीय प्रशासन वहां पर अब कितना सजग नजर आ रहा है खास करके इस व्यवस्था को लेकर। आरिफ, हम आपसे बात करेंगे, हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़ गए हैं, प्रकाश जी हमारे साथ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, स्वागत है आपका, हम एक खास शो दिखा रहे हैं जिसमें मानव रहित क्रॉसिंग कितनी खतरनाक नजर आती है आपको। प्रकाश जी, हाँ सर आती है, ये अपने कोटा जिले में ये है मोड़क, चार पांच है जो बिना मानव रहित है जी, तो प्रशासन ध्यान देता है जी। तो आपको क्या लग रहा है प्रशासन क्यों आखिर इतना लापरवाह बना हुआ है? लापरवाह तो सर भ्रष्टाचार है ना सर। एक बताता हूँ आपको एक चौंकाने वाली घटना, हम कोटा से मथुरा के लिए किसी कारण से स्लीपर डिब्बे में बैठ गए सर, तो वहाँ टीटी आया तो उसने कहा कि भाई 340 रुपए की रसीद कटेगी। मैंने कहा सर मजबूरी में हम आप बना दीजिए, जो कि चलो 300 रुपए दे दो, हम पांच सवारी थे जी, तो हमसे 300 रुपए लेके न रसीद दिया और न कुछ जी दिया। तो इसके लिए आखिर आम जनता भी तो कितनी जिम्मेदार है, हम और आप भी तो जिम्मेदार है। अक्सर होता है पर्ची नहीं कटाते हैं, 100 रुपए में ही काम चल जाता है, सोचते टीटी से 100 रुपए दे करके काम चल गया। हाँ, नहीं तो हमने इसी चक्कर से फिर मैं उस टीटी को साथ घुमा सर, आप यकीन करोगे 4 घंटे हाँ। में उस टीटी ने 2700 रुपए कमाए, बताओ इतना भ्रष्टाचार है। चलिए प्रकाश जी, आपकी जो ये कोशिश है वाकई में और लोगों को भी प्रेरणा लेने की जरूरत है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। प्रकाश जी हमारे साथ चित्तौड़गढ़ से राजस्थान से जुड़े थे जिन्होंने अपनी बात रखी। आरिफ हमारे साथ लगातार बने हो, आरिफ आप देख रहे हैं किस तरीके से जो भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन आज हम भ्रष्टाचारी की बात नहीं करें, आज हम बात कर रहे हैं लापरवाही की, और ये लापरवाही है केंद्र सरकार की और रेल प्रशासन की, कैसे दूर होगी? चलो
लोग कहीं ना कहीं रेल को बड़ी गंभीरता से सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब ट्रेन हादसे होते हैं तो उसमें एक दो चार लोगों की जान नहीं जाती बल्कि पूरी की पूरी बस उड़ जाती है। पूरे के पूरे जो रेल ट्रैक होते हैं या ट्रैक्टर होता है या फिर विक्रम होती है, तमाम जो सवारी गाड़ियां होती है, चाहे वो जीप हो या कार हो, सवेरा हो, तो इस तरीके की जो छोटी गाड़ियां होती है वो उसकी चपेट में आती है और दर्जन के साथ लोगों की मौत होती है। तो इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं रेल प्रशासन को गंभीरता से सोचना होगा। हाल ही मुआवजा दे देने से या फिर जांच के आदेश देने से काम नहीं चलता है। ऐसी जगहों पर जहाँ पर मानव रहित क्रॉसिंग है वहाँ पर रेल फाटक की व्यवस्था लगानी चाहिए, उसको क्लीन करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर या फिर देश के अंदर इस तरीके की जो मानव रहित क्रॉसिंग है वो कहाँ कहाँ पर है? रेल की अपनी ड्यूटी होती है, सबसे बड़ा जो देश का जो आर्थिक जो देश चला रहा है वो रेल का विभाग कहा जाता है। तो ऐसे में जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी रेल की है, रेल को कहते ना कहते इस तरीके की जो मानव रहित क्रॉसिंग है उसकी जाँच पड़ताल करानी चाहिए और वहाँ पर पर्ची लगानी चाहिए, वहाँ पर रेल फरा लगाना चाहिए, वहाँ पर जो कर्मचारियों की ड्यूटी लगानी चाहिए ताकि जो लोगों को जो अपने गाने गवानी पड़ती है उससे बचत हो सके लोगों की। जी बिल्कुल आरिफ, ट्रेन हादसों पर भले ही लाखों के मुआवजे की सरकारें घोषणा करती हैं लेकिन हादसों से निपटने के लिए कोई ठोस कदम जमीन पर नजर नहीं आता है। भले ही रेल बजट आया, तमाम सारी घोषणाओं का इंतजार होता है लेकिन इस तरीके की चीज कोई भी सामने नहीं आती है। घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है लेकिन अलग बहुत बड़ी जिम्मेदारी रेल प्रशासन की और कहीं ना कहीं गंभीरता से सोचना पड़ेगा तब जाकर के इस तरीके की जो दुर्घटना है, जो ट्रेन दुर्घटना है उस पर अंकुश लग सकेगा। वरना इसी तरीके से अगर वो केवल अपने अधिकारियों की जांच बैठा दें या फिर उसकी जो पीड़ित परिवार है या फिर जो लोग मर गए हैं ट्रेन हादसों में उनको मुआवजा दे दिए, उसके बाद ये तरीके से जो है मामले को टालने के प्रयास किया जाता है रेल विभाग की तरफ से, खामियों से जो है वो आम लोगों को भुगतना पड़ता है। बहुत जरूरत है रेल प्रशासन को इस पर गौर करने के लिए। आरिफ बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। एक दर्शक मुकेश नेगी हमारे साथ जुड़ गए अल्मोड़ा से। मुकेश जी बहुत बहुत स्वागत है। अल्मोड़ा की अगर मैं बात करूं तो आपके आसपास जहां से आप होकर गुजरते हैं वहां पर आपको कहां कहां पर दिखती है मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग? हाँ सर, जो ये घटनाएं घटती है आए दिन हजारों सैकड़ों आदमी मारा जाता है सर इसमें। जी तो इसके जिम्मेदार कौन है सर? जी जाहिर सी बात है कि जहां पर ये नीतियां बनती हैं केंद्र सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, रेल प्रशासन जिम्मेदार है लेकिन ये विभाग अपनी जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं भागता नजर आ रहा है। मुकेश जी हमारे साथ जुड़े थे लेकिन अपनी बात उन्होंने कही, उन्होंने सवाल पूछा कि आखिर कौन जिम्मेदार है। हमने भी उनको बताया कि केंद्र सरकार जिम्मेदार है इसके लिए, रेल प्रशासन जिम्मेदार है और ये दोनों विभाग कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से भागते नजर आ रहे हैं। तो आप भी हमसे जुड़िए और अपनी बात रखिए, फोन करके अपनी बात रखिए क्योंकि स्ट्रीम न्यूज बना है आपकी आवाज। 8 से 9 इस हफ्ते इस खास शो में हम बात कर रहे हैं बिना मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग की। जी हां, वो रेलवे क्रॉसिंग जो मानव रहित हैं और लेकिन पूरी तरीके से रिस्क फैक्टर पर चल रहे हैं। तो मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। तो हादसों की क्रॉसिंग, जी हाँ लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि किस किस जिले में और क्या कुछ आंकड़े हैं, हम इसी पर बात करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं।